तो जी माशाल्लाह से रोज़ा तो हम अम्मी अब्बू के घर से ही इफ्तार करके आ गए थे। तो उसके बाद जी मैंने चाय बनाई है, तो साथ मैंने ये ज़ीरा प्लस वाले बिस्किट मंगाए हैं। काफ़ी दिन हो गए क्योंकि जब से रोज़े शुरू हुए हैं तब से ये चाय बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गया, तो बस सुबह सहरी और शाम को इफ्तारी। तो आज वहाँ पे चावल खाए थे, तो चावल तो बस थोड़े से ही खाए गए थे क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे नहीं खाया जाता। तो साथ मैंने अब घर आके ये चाय बनाई है मज़ेदार सी, और उसके साथ मैंने ये ज़ीरा प्लस वाले बिस्किट मंगाए हैं क्योंकि मीठे से तबीयत थोड़ी अजीब सी हो जाती है। तो ये थोड़ा नमकीन सा बिस्किट होता है तो मुझे ये अच्छा लगता है, और चाय जो है चाय मेरी फेवरेट है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं, माशाल्लाह से रोज़े रख रहे हैं। और दसवां रोज़ा जो है आज माशाल्लाह से हो गया है और पहला अशरा जो है कम्प्लीट हो गया है। अल्लाह पाक आप सबको इस रमज़ान के सदक़े अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आपकी जो भी दिले ख्वाहिशें हाजात हैं जायज़ हाजात हैं जो अल्लाह पाक वो कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं एक स्वीट सी, एक मज़ेदार सी, सॉरी स्वीट नहीं है वो स्पाइसी रेसिपी है। तो अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कैसे बनेगी, तो बताते भी हैं कि हम आज क्या बना रहे हैं। तो ये मैंने यूट्यूब पर देखा था, हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर भी हैं और हम भी उनका चैनल देखते हैं, मुसरत आपिका, तो उनके चैनल पे मैंने विजिट किया था। तो उन्होंने, वैसे मैं रोज़ ही माशाल्लाह से उनकी वीडियो देखती हूँ, उनकी वीडियोस जो हैं बहुत ही प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं और मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो शेयर करती हैं। तो ये उन्हीं की रेसिपी देख के मैं आज बनाने लगी हूँ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। मैंने अभी सामान मंगवाया है, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ मैंने मंगवाई है और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ पर आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, और लेकिन आलू रखते ही यहाँ पे जो है गैस चला गया है। तो अभी वेट करते हैं कि कितनी देर में गैस आता है, दुआ करें कि जल्दी से गैस आ जाए क्योंकि फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा और रोज़ा खुलने का भी टाइम हो जाएगा। तो अगर आ जाएगा जल्दी गैस तो हम ये जल्दी से बना लेंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे, बनाना तो आज लाजमी है। गैस का यहाँ पर वेट हो रहा है लेकिन गैस नहीं आ रही। और यहाँ पर जी आज मैं गई थी बाज़ार, तो ये मैं लाई हूँ कपड़े नबीहा ज़ारा के। तो देखें ये दोनों, ये शर्ट है और ये साथ इसके शलवार है, और ये नबीहा के लिए लिया है मैंने साथ दुपट्टा। तो माशाल्लाह से ये एक सूट हो गया, और साथ ही जो है ये है दूसरा सूट, ये है इसकी शर्ट और ये है ट्राउज़र। तो ये अनस्टिच हैं, इनको सीना है, और साथ इसके मैंने ये वाइट दुपट्टा लिया है कि जैसे कि ये मदरसे जाती है तो चलें ये वाइट दुपट्टा उसके साथ अच्छा भी लगेगा। पहले इसके पास सारे जो है ना वो नेट के दुपट्टे हैं या फिर शिफॉन टाइप है, तो वो सर पे भी नहीं रुकते और अच्छे भी नहीं लगते। तो मैं इस दफ़ा ये थोड़ा लॉन में लेके आई हूँ, और माशाल्लाह से देखिए आपने बताना है कि आपको ये कपड़े कैसे लगे हैं। और ये जो रेड वाली लेस है ये मैं इसके साथ लाई हूँ, और ये जो ऑफ वाइट लेस है वो मैं इसके साथ लाई हूँ। तो इन दो सूटों में नबीहा ज़ारा दोनों का इसमें से बनेगा और दोनों से उसमें बनेगा। ये फुल सूट एक ये है और एक वो है, तो इनमें से दोनों के दो दो सूट बन जाएंगे माशाल्लाह से। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना सूट। तो जी माशाल्लाह से ये है मेरा सूट, और ये है चुनरी वाला डिज़ाइन। तो ये जो है ये शर्ट है, और इसके साथ ये जो है ये ट्राउज़र है, और ये स्लीव्स हैं इसकी, ये देखें ये फोर साइड है, और ये सेम ही दुपट्टा है माशाल्लाह से। बहुत ही प्यारा लगा था मुझे सूट, तो मैंने कहा चलें अब की दफ़ा ये लेते हैं अपने लिए। तो ये देखें ये फोर साइड ऐसे बॉर्डर बना हुआ है दुपट्टे में, तो माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये कपड़े कैसे लगे हैं। तो थोड़ी सी जो है ईद की शॉपिंग हमारी हो गई है, देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी शॉपिंग हमारी हो गई है। तो अभी हसीम मूवीज़ के लेने जाना है, तो मुझे ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है लड़कों के कपड़ों का क्योंकि मैं शुरू से ही बस बेटियों के और अपने कपड़े लेती आई हूँ। तो जेंट्स जो ज़्यादातर ऐसे लड़कों का मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला था कि आप अभी अपने ले आओ, तो कल फिर जुम्मा है, फ्राइडे है कल हस्बैंड की होगी छुट्टी, तो उन्होंने बोला था कि चलें फिर कल इकट्ठे चलेंगे, इन बच्चों को भी ले जाएँगे। हुसैना गई और वहाँ से फिर इनके भी कपड़े ले आएँगे, और जो और कुछ लेना होगा बाकी जो रहता है
बच्चों की जूतियाँ वगैरह या और कोई कपड़े जो चीज़ लेनी होगी, फिर कल बाज़ार जाएंगे। आज तो मैं यहाँ डबल फाटक से ही लेके आ गई थी, मैंने कहा चलें कुछ शॉपिंग तो स्टार्ट करें फिर, क्योंकि एक दफ़ा एक ही दम सारी शॉपिंग करना फिर मुश्किल हो जाती है। माशाल्लाह से अब तो बच्चे भी ज़्यादा हैं, माशाल्लाह से चार चार बच्चे हैं, तो इनकी हर चीज़ मुकम्मल करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मैंने इनको सिलाई भी करना होगा, तो अब मैंने ये अपना भी सिलाई करना है और फिर ये बच्चों के भी सिलाई करने हैं, तो इंशाल्लाह अब टाइम निकाल के साथ ये सिलाई करती रहूँगी। इसीलिए ही मैं ये पहले ले आई। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारे कपड़े कैसे लगे हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैं बाज़ार से लाई थी ये चने और साथ ही ये लेके आई थी मैं नीमको, ये देखें, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले ली। तो माशाल्लाह से अब रोज़ा अफ्तार करेंगे, उसके बाद फिर खाएंगे रात को। रात को वैसे भी दिल करता है कोई चीज़ खाने को, क्योंकि रोटी खाने को तो इतना दिल ही नहीं करता। गैस का काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गैस की तो आज हो गई है छुट्टी, तो फिर मैंने सिलेंडर पे रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। और यहाँ पे मैंने तसले में निकाल लिया है मैदा और अब इसको आटे की तरह गूंदेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है। और इसके अंदर फ्लेवर के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। और इसके अंदर हम अजवाइन भी डाल सकते हैं या फिर इसके अंदर हम ज़ीरा भी डाल सकते हैं, तो हम जो है ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अजवाइन जो है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसमें ज़ीरा इस्तेमाल करती हूँ। और अब इसको गूंदते हैं आटे की तरह, लेकिन इसको थोड़ा सा सख्त गूंदना है आपने। आटा मैंने यहाँ पे गूंद लिया और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट रख देना है अच्छी तरह ये रस जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये हरा धनिया और हरी मिर्चें धो के काट ली हैं और अभी बस आलू चेक करते हैं कि उबले हैं या नहीं, तो फिर शुरू करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी। इफ्तारी का टाइम होने वाला है और आज बस गैस की वजह से हम बहुत ही लेट हो गए, तो बस अब सामान रेडी हो गया है, तो बस मैंने खजूर रख ली है और साथ पानी ही, और स्नैक्स जो बनने थे वो तो अभी रेडी हुए नहीं हैं, लेकिन चलें अभी इफ्तारी ऐसे ही कर लेंगे पानी और खजूर के साथ, और फिर साथ के साथ इनको भी रेडी करते हैं। अभी तक आलू नहीं उबले, गैस ने आज तंग कर दिया। यहाँ पे आलू हमारे बॉईल हो गए और उसके बाद इसके अंदर अब जो स्पाइसेस हैं इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये जो हरी मिर्च धनिया मैंने काट के रख रखा है इसको ऐड करते हैं। बन रहा है ये वीडियो जी? थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी धनिया और साथ ही ये लाल मिर्चें, और ये धनिया भी ऐड कर देंगे, इससे जायका जो है बड़ा ही ज़बरदस्त आ जाता है। और इसके साथ जो है ये चाट मसाला इसके अंदर डालते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो जितना जायका बनाना चाहें वो डाल सकते हैं इसके अंदर, तो मैं इतना डालती हूँ। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम नमक, फिर चेक कर लेंगे बाद में, चेक भी कर सकते हैं मसाला इसका के कम है या ज़्यादा। तो जी अजाने हो गई हैं, अभी हमारी रेसिपी स्टार्ट, रेसिपी अभी हमारी नई बनी, तो यहाँ पे अजाने हो गई हैं, अभी इफ्तारी करते हैं और फिर बाकी का बाद में करते हैं, आज गैस ने तंग कर दिए। अम्मी अब्बू भी आए हुए हैं आज, लो अब्बू आप भी लो ना खोलो। ये मसाला हमारा रेडी हो गया और उसके बाद जो हमने ये आटा गूंद के रखा था उसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। ये देखें स्मॉल साइज के पेड़े बना लेने हैं आपने, ये इतने सारे आटे के बना लेते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको कि क्या करना है। यहाँ पे पेड़े हमारे बन गए, ये देखें अब इसको बढ़ा लेते हैं
इसको लेते हैं पतला पतला बढ़ा, और आपने इसको पतला ही बढ़ाना है ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने। लेयर इसकी ज़्यादा आपने मोटी नहीं करनी, बिल्कुल बारीक रखनी है। इनको आपने वन बाय वन तवे पे डाल के इनको हल्का हल्का सा बस सेक लगवा लेना है दोनों साइडों से, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। बस ये कच्ची कच्ची सी हो आपने इसको इस तरीके की शेप में उतार लेना है, और जितनी भी रोटियां बनेंगी बिल्कुल पतली पतली सी बना के इस तरह से आपने इनको सेक लगवा लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि इनको काटने में और इनको यानी कि बढ़ा के कोन शेप देने में आसानी हो। तो जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी रोटी थी, तो आज तो मुझे बहुत ही टाइम लग गया, कुछ गैस की वजह से और कुछ ये रेसिपी जो थी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी तो बस मैंने आज ट्राई कर ली। तो यहाँ पर आपने बताना है कि मैं कैसी बना रही हूँ, और मुसरत आपी आपने भी बताना है कि मैं बिल्कुल सेम तो नहीं बना रही, लेकिन आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। हैंड मेक ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं हम, तो ब्रेड को मैंने ये पीस लिया है, मेरे पास मिक्सी भी नहीं थी तो मैंने ये हाथ से ही पीस लिया है। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उसके साथ मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। तो अभी इसको तवे पे डालते हैं और फिर ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे जो ये मैदे की रोटी सी बनाई थी ये हमने हल्की हल्की सी ऐसे कच्ची बस एक एक साइड पे हल्का हल्का सा सेक लगवाया, और फिर ये सारी उतार ली हैं। अब इनको काटते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे ये जो रोटियाँ बनाई थी इनको छुरी की मदद से काट लेंगे, ये तेज छुरी की मदद से काटनी है आपने। ये देखें जी, ये कट गए। उसके बाद मैदे की ये लई सी बना लेनी है, लेवी की तरह इसको बना लेना है। अब इस तरह एक पीस उठा के और यहाँ पे ये हाथ की मदद से लेवी लगा लेनी है। बच्चे पीछे से बहुत ही शोर मचाते रहते हैं। पे बच्चों ने बहुत ही ज्यादा शोर मचाया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे जो आवाज है वो म्यूट करनी पड़ी थी। इस तरीके से आपने ऐसे इसको बंद कर लेना है, और नीचे से जो इसका सुराख है इसको भी अच्छी तरह बंद कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। और देखें जी ये कौन शेप में आ गई है। और अब इसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है उसको इसके अंदर भर देना है। अब इस कॉर्न के अंदर हमने इस तरह ये मसाला भर लेना है, और चम्मच की मदद से नीचे तक कर देना है ताकि ये हमारी फुल। मैं आपको दोबारा से बना के दिखा देती हूँ, ये देखें ये इस तरह से ना ये अंदर डाल दें, और फिर ये चम्मच की मदद से इसको ऐसे अंदर कर देना। ये देखें नीचे तक चला गया मसाला, और साथ के साथ ऐसे डालते जाना है और इसको दबाते जाना है ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए, पूरे कॉर्न में भर जाए, मसाला भर जाए और मजेदार लगे। ये हमारी कॉर्न रेडी हो गई है। बस हमारी रेडी हो गई है, ये देखें यहाँ पे ही हमारी सारी कॉर्न्स जो हैं ये रेडी हो गई हैं। और अब देखें अब इसको ऐसे उठाना है और उसके बाद इसको डिप करना है इस तरह, और फिर इसको ऐसे ये लगाना है। ये देखें, और फिर इसके बाद
इसको हमने ऑयल में छोड़ देना है। दोबारा मैं आपको बता दूं, ये देखें जी हमारी कॉर्न रेडी हो गई है। तो बस आपने अवॉइड करना है, कुछ सही बनी है और कुछ ये एक तो जली गई है। तो फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह जब सेकंड टाइम बनाएंगे तो ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन बहरहाल कोशिश अच्छी थी, आपने कमेंट करना है। अभी अम्मी अब्बू आए हुए हैं, उनको चेक करवाते हैं और पूछते हैं कि कैसा जायका है इनका। मम्मा ने ये तैयार करके मुझे दे दी है, अब चेक करते हैं कैसी बनी है। सच्ची मुच्ची में बहुत अच्छी बनी हुई है। और अगर आपने खानी है तो आ जाए और आप इस रेसिपी को जरूर बनाना, सच्ची में बहुत अच्छी बनती है। आप बताओ भाई, आपको कैसी लगी है ये रेसिपी? बहुत अच्छी थी, बहुत क्रंची थी और बहुत उसमें अच्छी खुशबू आ रही थी, तो बहुत टेस्टी थी। और आप भी ये दाल में ट्राई कीजिएगा। आप बताएं मम्मी, ये कमाल बनी हुई थी, जबरदस्त बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। आप दाल में ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, कभी हम भी घर बनाएंगे। ठीक है, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, बनाई भी अच्छी है। ये भी लेकर आ गए हैं, अभी इनसे पूछते हैं क्या इनको कैसी लगी। हसीब जारा खा के बताओ कैसी है। मम्मा ने बहुत मेहनत करी है बनाने में माशाल्लाह, और बनी भी बहुत अच्छी है। बहुत मजे की है, आपने जरूर ट्राई करना है। मोहित आप बताओ, आप कैसी लगी है, चेक करो। बहुत मजे की बनी है। तो जी हमारी जो रेसिपी थी वो हमने बना ली और सबने अलग अलग बैठ के खाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम गैस की वजह से। तो फिर सबको मैंने अलग अलग दे दी, लुबना आपी की तरफ भी भेजी थी और ताया अब्बू और भी आए हुए थे और अम्मी और भी आए हुए थे, तो माशाल्लाह से नादिया बाजी के घर भी भेजी थी, ऊपर भी भेजी थी। तो मैंने ये रेसिपी जो है बना के सबको ही टेस्ट करवाई है और माशाल्लाह से सबको ही बहुत मज़े की लगी है। इसमें अभी हम चिकन भी ऐड कर सकते थे लेकिन चिकन मैंने ऐड नहीं किया, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह चिकन भी ऐड करूंगी, तो उससे जो फ्लेवर है जायका है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी और आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और हमारी वीडियो आप जल्दी से देख लें। तो आपको पहला अशरा जो गुजर गया है वो बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरे अशरे में इबादत करने की और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने की और रोज़े रखने की अल्लाह पाक और तौफीक दे हम सबको, और मुबारक हो आपको। अब बस जल्दी से रोज़े गुजर जाएंगे और ईद भी आ जाएगी माशाल्लाह से। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उन्हें कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।